तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा, मेरा नाम है अनुराग, तो स्वागत आपके देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ों में। देखिए आजकल पेड़ कैसे भरके वाले, ये जो ये है ना, ये बांज का पेड़, इसमें आजकल नए नए पत्ते आ रखे, तो ये गुलाबी गुलाबी सा भरका है बिल्कुल मस्त करके। ये देखिए इस पे नए पत्ते आ रखे हैं, और इस पे देखिए धूल ही धूल हो रखा है। ये देखिए ये वाले धूल हो रखा है। तो मैं आ रखा हूँ अभी बैलों के साथ यहाँ जंगल में, और क्योंकि इनको चरने की आदत है पहले से, क्योंकि हमारी पहली बकरियाँ थी और उससे पहले गाय भी थी, तो गाय के साथ आते थे और बकरियों के साथ आते थे चरने, तो इनको आदत है चरने की। तो ये पानी पिलाने आते हैं तो ये सीधा भाग जाते हैं, तो इनको थोड़ा चराने के लिए लाया जाता है इस साइड को, कभी किसी साइड को। तो अभी मैं बैलों के साथ हूँ, और बाकी अब कुछ नहीं, अभी जाते हैं घर की ओर कुछ देर में। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, देखिए थोड़े बहुत हल्के फुल्के इस साइड से बादल लगे हुए हैं इस साइड को, देखिए कुछ ऐसा। और दो तीन दिन से बारिश आने के कारण ठंड हो रखी है भाई, बिल्कुल ठंडी लग रही है शाम को। तो कल तो खतरनाक की ठंड हो रखी थी, पर अब नहीं हो रखी। और परसों हम गए थे वहाँ मेले में, तो आपने वीडियो देखी ली होगी। तो अब चलते हैं इन बैलों को लेके घर की तरफ, और मिलते हैं भी कुछ देर। सजक लंब भे तुली वणिक, हम भी चो तेरा दीवाना, चंद तो अख मुंदिक। वीडियो में बताया था कि आजकल मतलब कि सुबह को गायों को चरने लाते हैं, और शाम को भी, और दिन में बांध देते हैं। देखिए वो देखियो जो है ना, वो भी देखिए घर को ला रहे हैं। ये देखिए दो भी अभी दिन में बांध रहे हैं गायों को, और शाम को फिर से चरने छोड़ देंगे, और कुछ दिनों में गेहूं की खेती। तो अभी दिन के बज चुके हैं 2:30, और अभी सारे लोग सो रखे हैं दिन में, मतलब सो रखे हैं। बिल्कुल मौसम बिल्कुल सुन वाला हो रखा है, और इस साइड से बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल चहचहाट सी। और जैसे कि अभी आप सब सुन सकते हो, ओ घुघुती कर रहा है आवाज़, और इस साइड से मतलब जगह जगह से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। और मैं वीडियो बनाते बनाते यहाँ आ चुका हूँ सारी की ओर, सारी मैं अभी ऐसे घूमते घूमते आ चुका हूँ मैं, क्योंकि दिन में नहीं सोता हूँ। तो मैं सारी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रखा, मतलब कि आजकल दिन में ना सुन हो रखा है बिल्कुल, कोई सभी लेटे होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ, ये देखिए ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको खाते नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको आज अपनी सारी दिखाता हूँ इस साइड से। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये जंगली नाशपाती है। अभी देखिए कुछ ऐसे हो रखे हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे आपको ऐसे, और इसमें ऊपर पेड़ में बहुत सारे पक्षियाँ बैठ रखी है, इनको देखते हैं भाग के। ये देखिए भाग चुके हैं भाई, सारी पक्षियाँ भाग चुके हैं, और देखिए उस साइड को। तो यहाँ पर बिल्कुल कांटे ही कांटे हो रखे हैं इस साइड को, इस साइड देख सकते हो कुछ ऐसा हो रखा है। और यहाँ से हमारा ये वाला रास्ता सीधा ऊपर गांव में जाता है, और यहाँ पर कुछ कबूतर वो बैठ रखा है, तीतर, वो देखिए तीतर रहा वहाँ पर, देखिए वो रहा, वो देखिए जा रहा है, चले गया ऊपर, वो खेत में चले गया। तो आजकल तीतर भी रहते हैं गेहूँ के खेतों में, अक्सर ये तीतर रहते हैं। तो यहाँ से हमारे घर के लिए रास्ता ये वाला था, पर मैं अपने घर से सीधा इधर वो आ चुका था, तो ये वाला रास्ता सीधा ऊपर ढाई के लिए है, और ये वाला रास्ता जो यहाँ से इधर को जा रहा है ये वाला हमारे घर के लिए। तो यहाँ से चलते चलते सीधा चलेंगे अपने गधेरे में, मतलब नीचे गधेरे में जाएंगे, और गधेरा भी दिखाएंगे आपको, और गेहूँ भी। और इस साइड को देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हो रखे हैं, ये देखिए ये वाले फूल कितने मस्त हो रखे हैं, इस साइड को पूरे फूल ही फूल हो रखे हैं। और इस खेत में देखिए गेहूँ भी पकने स्टार्ट हो चुके हैं, और इस वाले खेत में भी, और वो दोनों खेत हमारे हैं। और आपने मेरी वीडियो पहले देखी होगी, तो मैं यहाँ पर ककड़ी के लिए आ रखा था इस वाले खेत में, तो बिल्कुल झुंगरा टूटी टूट रखा था। तो यहाँ से चलते चलते भाई पहुँच चुके हैं हम अपनी बीचों बीच, सारी के बीचों बीच में। तो यहाँ पर यह है हमारी सारी, और
यहाँ से नीचे है, नीचे को है गधेरा। यहाँ से नीचे देखिए कुछ, यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, देखिए सीढ़ेदार खेत और उनके बीच में सीढ़ियाँ बिल्कुल मस्त तरीके से। तो चलो चलते हैं यहाँ से ठीक नीचे खेतों की ओर। इस टाइम पे बहुत ही कम लोग बाहर घूमते हैं, जैसे कि एक मैं हूँ जो अभी बाहर घूम रहा है, बाकी तो सब आराम से सो रखे हैं। और मुझे इस टाइम पे सोना अच्छा नहीं लगता, मतलब कि मैं घूमता ही रहता हूँ दिन भर। और तो यहाँ पर से मैं पहुँच चुका हूँ गधेरे में, यहाँ गधेरा है इस साइड को, ये देखिए भाई। तो आजकल गधेरे में पानी सूखना भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर पानी आधा सूख चुका है इस साइड को, गर्मी का सीज़न हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पानी सूख चुका है और तेज़ की हवा लगने स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए पानी दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरा पानी बहता हुआ इस साइड को, यहाँ पर और यहाँ से ऊपर तक रहता था मैं आपको ठीक यहाँ से। और कर कितनी बड़ी मछलियाँ, ये देखिए भाई इस पत्थर के अंदर से जा रही है और सारी वो देखिए वहाँ पर मछलियाँ कितनी, ये देखिए भाई यहाँ पर है ये वाली, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा यार, ये देखिए रे मछलियाँ, ये देखिए वो देखिए बाकी भयंकर इतनी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर कैसे होगा, कितनी बड़ी मछलियाँ थी, इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है सर, यहाँ पर तो छोटी और की है। यहाँ चले गए सीधा मछली इस साइड को, यहाँ से इस साइड को, और यहाँ से चलेंगे हम देखते देखते कैसा कैसा माहौल हो रखा है कि आजकल गधेरों में। और यहाँ पर देखिए ये है डल, ये किससे बुना गया है, वो जो निंगाल होता है उससे बुना गया है, और कोई मरा होगा तो उस मतलब कोई किसी की डेथ हुई होगी तो उसको ऐसे देते हैं, मतलब उसकी सारी चीज़ें देते हैं, उसकी ज़रूरतमंद चीज़ें देते हैं जो आदमी को ऐसा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये है डल, और देखिए इस पत्थर के नीचे मछलियाँ हैं, मैं आपको मार के दिखाता हूँ अगर मरेगी तो। यहाँ पर हम पहले पानी के लिए आते थे जब मतलब कि पानी की कमी होती थी, तो यहाँ पर देखिए पूरे स्रोत हैं यहाँ पर पानी के, जो कि हम बोलते हैं पन्नियों, और तो यहाँ पर पन्नियों होता था। तो हम यहाँ पर जब नहाने मतलब कि नहाने आते थे तो पानी भी ले जाते थे, या तो पानी के लाते थे नहा के भी जाते थे। तो वहाँ पर तो एक मछलियाँ नहीं मिली, मतलब ऐसे में देखने आ रहा था, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी वाली मछलियाँ हैं भयंकर, इस साइड को देखिए भयंकर इतनी बड़ी मछलियाँ, ये देखिए भाई दिख रही होंगी आपको, ये देखिए वो देखिए ऊपर से आ रही है, वो देखिए तो यहाँ पर पहले बहुत ही सारे लोग आते थे नहाने के लिए, कई बार तो हम यहाँ पर स्कूल से भी आ रखे थे नहाने, वहाँ ऊपर हमारे स्कूल और घर इधर है, पर हम यहाँ नहाने आ जाते थे, बहुत सारे लड़के थे, तो यहाँ के बगल के गांव के भी थे लड़के और हम भी थे, तो हम यहाँ पर नहाने आते थे और पकड़म पकड़ाई का बहुत सारे खेल भी खेलते थे पानी में, पकड़म पकड़ाई भी खेलते थे इस साइड को। और अब मैं यहाँ का जाता हूँ यहाँ साइड को, और ऊपर यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ से सीधा चलते हैं ऊपर को, ये देखिए भयंकर इसके अंदर कितनी बड़ी मछलियाँ,
अंकल इसके अंदर से लेके देखना है। ये देखिए इतनी बड़ी मछलियाँ, पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ पर हम नहाने आते हैं वहाँ पर पहुंच चुका मैं। और बैंकर ये क्या था यहाँ पर, देखिए किसी ने कुछ लगाया हुआ है। चलो देख के चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे जाली टाइप सी, तो दिखाते हैं यहाँ से चल के सीधा। तो मैं पानी में जा रहा हूँ भाई, यहाँ से खतरनाक दे रहा है, बहुत ही गहरी खाई है और मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी ने कुछ बिछा रखा है, क्या चीज है मुझे अभी मालूम नहीं है। कुछ जाली है, जाली किसी ने मच्छी पकड़ने के लिए लगा रखा है यहाँ पर। कैसे फंसा रखी है अरे मालूम नहीं है। तो भाई इस गदेरे पे बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, बहुत ही खतरनाक। और आजकल लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई पाउडर डाला है, कोई ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा है, कोई वो डाल रहा है, चूना डाल रहा है, कोई ऐसा पकड़ रहा है जाली डाल के, कोई वो सब्बल होंड इनसे मार रहा है, कोई बल्छी से मार रहा है, कोई कांटे से मार रहा है, कोई कैसे कैसे मार रहे हैं भाई। तो हम यहाँ देखने आ रखे हैं ऑनली, तो जाएंगे यहाँ से ऊपर को इस साइड को। तो अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, और आज मैं फिर से आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूं यहां से सीढ़ियों से ऊपर को। ठीक कुछ सीढ़ियां इस साइड से हैं, यहां पर नया पुल बना रखा है इस साइड को, और वहां पर वो देख सकते हो कुछ बनाया हुआ है, और यहां से ये मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा तो मैंने आपको पहली बार वीडियो में दिखा दिया। तो यहाँ से कुछ यहाँ पर नंदी जी की वो है, यहाँ से शिव भोले का मंदिर यहाँ पर कुछ ऐसा, और इस साइड को है यहाँ पर काली माता का मंदिर इस साइड को, ये देखिए। और इस साइड को वहाँ पर माता का मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी का। और यहाँ से चलते हैं सीधा घर की तरफ, और यहाँ पर एक पानी का नल है, जिसी को जो कोई भी इस साइड से आए वो पानी पी के जा सकता है। तो यहाँ से चलते हैं सीधे घर को। तो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि मछलियों के बारे में, तो मछलियाँ मतलब कि कई बहुत सारे लोग मतलब मछलियाँ मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कई लोगों ने हमारे अखरोट के पेड़ बंजर कर दिया वहाँ, वो अखरोट तोड़ तोड़ के कितनी बार कोई पत्ती निकाल के उसके सारे हमारे अखरोट के पेड़ ख़राब कर दिए उस साइड, घर के उस साइड है। तो मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कौन से गांव वाले ने किसने पर किए हैं। तो मैं